नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ट्रावर्सिंग विद कंपास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको पल पल मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे ट्रावर्स क्या होती है एंड देन वी प्रोसीड। मान लीजिए दोस्तों, यह मेरा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट और ई पॉइंट है। यह मेरा, यदि हम ए इन दोनों ए बी को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, बी सी को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, सी डी को, उसी प्रकार डी ई को और एंड देन ई ए को जोड़ देते हैं, तो यह एक मेरा फ्रेमवर्क दे रहा है, फ्रेमवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्वे लाइन। ये जो मेरा ए बी जो सर्वे लाइन है, बी सी मेरा सर्वे लाइन है, कुछ प्रकार से सी डी, ई डी, ए ये मेरा सर्वे लाइन, और सर्वे लाइन को हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो एक इंटर मतलब कि फ्रेमवर्क या कुछ ढांचा दे रहा, तो इसी को ट्रावर्स कहते हैं। ट्रावर्स इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्वे लाइन। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रावर्स। सबसे पहला है क्लोज ट्रावर्स और दूसरा है ओपन ट्रावर्स। क्लोज ट्रावर्स किसको कहते हैं, इसको बारे में मैं आपको बताता हूँ। व्हेन द ट्रावर्स एंड एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ से ट्रावर्स ए पॉइंट से स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आया और ई तक पहुँचा। ई से पहुँचने के बाद मैं ए से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इंटर कनेक्ट कर दिया, तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट ए से था और वो भी ख़त्म हुआ ए पर आके, तो वैसे ट्रावर्स को क्लोज ट्रावर्स कहेंगे। व्हेन द ट्रावर्स एंड एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड क्लोज ट्रावर्स। जब मेरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो तो वैसे ट्रावर्स को क्लोज ट्रावर्स कहते हैं। इन सर्वेइंग क्लोज ट्रावर्स इज ऑलवेज प्रीफर्ड। और सर्वेइंग में क्लोज ट्रावर्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रॉपर चेकिंग फैसिलिटी, क्योंकि यह प्रॉपर चेकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे। हम इसे एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ओपन ट्रावर्स क्या होती है। ऐसा ट्रावर्स विच एंड्स एट अ पॉइंट अदर देन द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यह ए पर आके एंड की, यह क्लोज ट्रावर्स है, और यदि मेरा ई पर ही आके ख़त्म हो जाती तो वैसे ट्रावर्स को हम ओपन ट्रावर्स कहते हैं। कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ए बी मेरा एक यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और स्टार्ट करने के बाद सी सी तक आया, सी से डी तक आया, डी से ई तक आया, ई से एफ तक आया, और मेरा एफ तक ही मेरा एंड पॉइंट है, तो ऐसे ये मेरा क्लोज तो नहीं हुआ, तो यह इसको हम ओपन ट्रावर्स कहते हैं। देन इट इज़ कॉल्ड ओपन ट्रावर्स। इन फिगर ए बी सी डी ई एफ इज़ अ ओपन ट्रावर्स बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, और यह पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट एफ पर ख़त्म हो रही है। इन ओपन ट्रावर्स चेकिंग फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। और ओपन ट्रावर्स में चेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, सो इट इज़ जनरली अवॉइडेड। चूँकि इसमें चेकिंग फैसिलिटी नहीं होती है, तो इसको हम जनरली अवॉइड कर देते हैं, नहीं लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ट्रावर्सिंग किसको कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्विंग। यह एक सर्वे करने का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी लाइन का बियरिंग को हम डायरेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शन एंड हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी सर्वे लाइन ऑफ अ ट्रावर्स कैन बी डिटरमाइन। यहाँ पे दोस्तों ये मेरा एक ट्रावर्स है, इसको हमको ए बी का सबसे पहले यहाँ पे ए को ए पे एक कंपास को रखेंगे। कंपास को रखने के बाद ये जो ए बी को हम साइड करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ से फोर बियरिंग इसका मिल जाएगा और बी बैक बियरिंग भी मिल जाएगा, तो इससे हम ये डिटरमाइन कर लेंगे। बियरिंग तो हमको मिल जाएगा आराम से इजीली, एंड हॉरिजेंटल लेंथ भी हमको इजीली मिल जाएगा। तो यह ट्रावर्सिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी लाइन का बियरिंग और हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ ईच सर्वे लाइन कैन बी डिटरमाइन। इफ़ कंपास इज यूज्ड, यदि हम
जो मेरा बियरिंग है उसको मापने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यदि हम कंपास का यूज़ करते हैं, तो उस समय सच टाइप ऑफ ट्रावर्सिंग इज कॉल्ड कंपास ट्रावर्सिंग। तो उस समय हम उस ट्रावर्स को कंपास ट्रावर्सिंग कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर भेजें ताकि हमको पता चले कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग, कौन कौन सा मेथड है ट्रावर्सिंग करने का बाय कंपास, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।